हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम करने वाले ब्रेक टेस्ट ओला S1 प्रो पे। तो जैसे कि आप जानते हैं, इसके आगे आपको 200 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है और रियर में आपको मिलता है 180 mm का डिस्क ब्रेक। और इसमें CBS ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। ये कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम है, ABS नहीं है। तो इसमें आपको कोई भी एंटी स्किड का फीचर नहीं मिलता। तो आपको ब्रेकिंग करते वक्त ध्यान रखना है कि आप इंस्टेंटली ब्रेक ना दबाएं, क्योंकि ये गाड़ी स्किट हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम ये रोड पे आ चुके हैं, यहाँ पे ट्रैफिक होता नहीं है मोस्टली। तो वहाँ पे वो वाइट स्टिक्स देख रहे हैं आप, वहाँ से मैं ब्रेक करूँगा और डिस्टेंस मेजर करेंगे कितनी देर में ब्रेक लगता है। पहले नॉर्मल मोड में टेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद करेंगे स्पोर्ट्स मोड में, उसके बाद करेंगे हाइपर मोड में। हम मैक्सिमम 110 के स्पीड में ब्रेकिंग करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले नॉर्मल मोड में। इसको ऑन थ्रॉटल दे रहा हूँ मैं, वो वाइट स्टिक्स के बाद स्टिक के बाद में ब्रेक लगाऊंगा। तो जैसे आप देख सकते हैं, ये वहाँ से तो यहाँ तक ये ब्रेक लग चुका है पूरी तरह से, कोई भी गाड़ी स्किट नहीं हुई। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाइट स्टिक के बाद मैंने ब्रेक लगाया था और ये इतने डिस्टेंस में लग चुका है। करीब 10 मीटर के डिस्टेंस में गाड़ी पूरी तरह से रुक चुकी है ज़ीरो पे। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा, तो मैं सेकेंड अटेम्प्ट कर रहा हूँ। अभी रिकॉर्ड नहीं हो पाया फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो अभी नॉर्मल मोड में टेस्ट है। 80 की स्पीड में मैं ब्रेक लगाऊंगा। तो अभी मैं स्पोर्ट मोड में डाल के इसको ब्रेकिंग चेक करूँगा। स्पोर्ट मोड में डाल दिया, शुरू करते हैं। अभी हाइपर मोड में मैं ब्रेकिंग टेस्ट करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हंड्रेड एंड टेन तो टच नहीं हो पाया, पर 100 टच हो गया था। तो आप देख सकते हैं 100 पे से 0 पे आने में गाड़ी को इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 2 सेकेंड भी नहीं लगे। वहाँ से यहाँ तक 0 हो गई गाड़ी। बस ऐसा ट्राई करते वक्त ध्यान रखिए कि ब्रेक आपको डायरेक्टली नहीं दबाना है, थोड़ा थोड़ा प्रेशर बढ़ाना है ब्रेक पे ब्रेकिंग करते वक्त। ऐसा जगह पे अगर आप ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी एक्सीडेंट हो सकता है, स्किट हो सकती है।
तो आप देख सकते हैं टायर का क्या हालत है। थोड़ा सा स्किट हुआ था टायर, बट कुछ इतना नहीं हुआ। वैसे हवा ज़्यादा है अभी टायर में, प्रेशर एकदम मेंटेन्ड है। अगर हवा का प्रेशर कम होता ब्रेकिंग और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो मैं कहूँगा ब्रेकिंग काफ़ी अच्छा है, बस आपको ध्यान रखना है कि इसमें CBS है, ABS नहीं है। तो ब्रेक लगाते वक्त ब्रेक को एग्जैक्ट डायरेक्ट प्रेशर नहीं देना है, थोड़ा थोड़ा प्रेशर बढ़ाना है ब्रेक पे। आपको डायरेक्टली प्रेशर देके ब्रेक नहीं लगाना है। तो ओवरऑल ब्रेकिंग परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। तो मुझे अभी अभी ओला से कॉल आ गया था, मैंने जो 4 मई को सर्विस रिक्वेस्ट रेज किया था 4 मई को, तो उसका अभी रिस्पॉन्स आया। मैंने आज ट्वीट भी किया था उसके बारे में, तो आज उनका रिस्पॉन्स आया है। अभी करीब करीब 12 दिन हो गए, 12 दिन बाद रिस्पॉन्स आया। तो वो जो सामने फ्रंट पैनल से नॉइज़ आ रहा है उसका इशू मैंने रेज़ किया था, तो देखते हैं अभी हो कब तक आते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मिल पाए।